गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे हमेशा की तरह। तो मैं आज का जो कंटेंट लेकर के आया हूँ, कुछ टूल्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको ये भी पता चले कि टेक्नीशियंस को कौन से टूल ले लेने चाहिए, कौन से टूल नहीं लेने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल करूँगा, और ये भी इसकी वीडियो आपने देख चुकी है या फिर इसके बाद आप देख रहे हैं ये मुझे थोड़ा सा नहीं पता है, क्योंकि मैं वीडियो इस माइक्रोस्कोप के ऊपर भी वीडियो डाला हूँ या फिर डालूंगा। ये दो रीज़न हो सकता है कि मैं पहले इसकी वीडियो डाल दूँ या फिर पहले मैं माइक्रोस्कोप की वीडियो आप देख रहे हो, या नहीं देखा है तो दोनों ही आप जा करके हमारे चैनल में वीडियोज़ को देख सकते हो। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ यहाँ पे जो कि मस्ट है हमारा, आप देख सकते हैं ये है पीसीबी होल्डर, पीसीबी स्टैंड बोलते हैं। ये मैकेनिक का है, इसका जो मॉडल है MR6 Pro, ये यूनिवर्सल स्टैंड है, पीसीबी स्टैंड मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड। और मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको मैं दिखाऊँगा कि इसमें क्या है खास। तो गाइज, ये इस तरीके का लगता है इसका लुक, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारा चीज़ यहाँ पे। तो गाइज ये देख सकते हैं फाइनल, तो मैं इसको फटाफट हटा लेता हूँ और ये देख सकते हैं क्या लुक है। लुक वाइज तो अच्छा है, बाकी लुक वाइज नहीं, ये वेटेड भी है। और सबसे अच्छी चीज़ कि जब हम काम करते हैं तो उसमें मैं बता दूं कि हीट जब हम पड़ती है तो जब इसमें एयर निकलने का चांस नहीं होता है तो थोड़ा सा हीट ज़्यादा होता है। तो इसमें मैं बताऊँगा सबसे बेस्ट ये है कि जब आप इसको पीसीबी स्टैंड को आप इसमें फंसाते हो, जब आप हीटिंग वगैरह करते हो, तो फ्रेंड मैं बता दूं कि इसमें आपका जो बेनिफिट्स ये है कि इसमें एयर बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। आप इसको बहुत ईजिली तरीके से इंस्टॉल भी कर सकते हो, बहुत ईजिली तरीके से ये लग जाता है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर ये करके दिखा दे रहा हूँ। तो बाकी ये ओवरऑल बहुत अच्छी पीसीबी है, मैं यहाँ पर आपको ये देखिए चेक करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं पीसीबी स्टैंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है और मैकेनिक का है, ब्रांड भी तो आपको पता ही है इसका सारा चीज़। तो अब ये देख सकते हैं आप इजी तरीके से आप इसको ऐसा फंसा सकते हैं। तो ओवरऑल ये आप इसको चार सेप में, टू सेप, ये थ्री सेप, ये यहाँ से इन सब सेप से आप इसको पीसीबी स्टैंड में फिक्स कर सकते हो। बाकी बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको रेफरेंस कर रहा हूँ, टूल, नए नए टूल्स ऐसे। और यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और MMC से रिलेटेड हमारे चैनल में काफ़ी वीडियो है। ये टूल भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो टूल है हमारा, ये टूल से रिलेटेड भी आपको मैं इनकी इंक्वायरी दे रहा हूँ कि जिसमें आपको सही वे में टूल आप ले सकते हो सही, क्योंकि एक टेक्नीशियन को अगर टूल सही नहीं होगा तो वो प्रॉपर काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, और ये हम पीसीबी स्टैंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि बहुत अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी है, इसमें एयर निकलने का भी बहुत अच्छा चांस है, जो कि आप इसमें फोर स्टेप में आप इस पीसीबी को फिक्स कर सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है MR6 Pro। अब उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि उसके बाद ये है बूट केबल फ्रेंड्स, इस एंड्रॉयड पावर बूट केबल, ये भी एक मैकेनिक ब्रांड का ही है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं भी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। ये सिंपल है फ्रेंड, और इसकी जो प्राइसिंग है मैं सारा डिस्कस आप में डिस्क्रिप्शन में लिंक में व्हाट्सअप में आपको नंबर दिया जाएगा, आप उनसे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका बूट केबल है जो कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे ये देख सकते हैं एंड्रॉयड बूट केबल है। इसमें कुछ मॉडल्स आपको यहाँ पे, करीब 8 मॉडल्स आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसके पीछे कोडिंग डला होता है, नंबर डले होते हैं। आप इसको 8 तरीकों से, मतलब 8 फ़ोन को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख सकते हो यहाँ पे 8 फोन्स को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा एंड्रॉयड बूट केबल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आप ये भी ले सकते हो, बहुत ही मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं है इसकी। जो हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही बेटर है, अच्छा है और फिक्स भी हो जाता है बहुत ईजली तरीके से। तो ये कि एंड्रॉयड का मैकेनिक का ही यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट केबल। तो ये सेकंड था फ्रेंड, मैं आपको तीसरा दिखाना चाहता हूँ, मैकेनिक का ही प्रोडक्ट है ये, मैकेनिक का आप देख सकते हैं मॉडल है इसका MAX 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल है, यहाँ पे मॉडल तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ये आई बूट के नाम से है, आई बूट AD के नाम से, और ये मैकेनिक का है MAX 9। तो ये फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है स्क्रैपर जो कि मैं इसको अभी थोड़ा सा बताऊंगा आपको, इसकी अभी क्वालिटी निकाल करके आपको भी दिखाऊंगा। ये स्क्रैपर है, स्क्रैपर आपको ग्लू कट करने में बहुत काम आता है, बहुत ही क्योंकि अगर आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं, वाइट पेस्टेड पे काम कर रहे हैं फ्रेंड, तो आपको ग्लू कट करने के लिए स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके साथ आप देख सकते हैं 20 in 1, यहाँ पे मतलब एक लेने पे आपको 20 आपको यहाँ पे स्क्रैपर मिल जाएंगे, ये इसका यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो चलिए मैं इसको खोल करके आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या है और इसके ब्लेड्स कैसे हैं, ब्लेड्स अच्छे हैं कि नहीं है, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ।
तो गाइज़ मैंने इसको देखो निकाल के फ़िक्स कर दिया है। जो इसकी क्वालिटी है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी जो मैक्स की है बहुत अच्छी है। और यहाँ पे साइड में भी है, यहाँ पे आप ग्लू कटिंग का काम या फिर जब आप आईसी को क्लीन कर रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जब आप आईसी को रिमूव करते हैं तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो इसकी क्वालिटी है तो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बाकी बेटर है क्योंकि हम इसमें आईसी को निकालते हैं फ्रेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ये है और यहाँ पे 20, मतलब यहाँ पे 20 आपको सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं 8, 9, 5, 6 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 19। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लेड नंबर भी यहाँ पे डले हुए हैं इसके। तो इसकी जो क्वालिटी है इसका जो साथ का है मेन हमारा जो स्क्रैपर है ये ज़्यादा बेटर मुझे लगा, क्योंकि इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीबी में जब हम इसमें काम करेंगे ब्लैक पेस्टेड पे अगर हम काम करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक पेस्टेड है। इसका यूज़ क्या होता है आपको पता ही फ्रेंड्स, ज़्यादा बाकी को तो आप जानते ही हैं। ये जब हम ग्लू कट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फील होता है हमें और बहुत ये मुड़ता नहीं है और बहुत ईजी तरीके से आप काम कर सकते हैं। बाकी आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं जब आप आईसी को क्लीनिंग कर रहे हो या फिर आप इसको निकालने के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी नहीं तो आप इसको ये वाला ब्लेड आप लगा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको टूल से रिलेटेड अच्छा लगा होगा फ्रेंड। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें अपने टेक्नीशियन भाइयों के साथ। ऐसे ही मैं और इन्फॉर्मेशन टूल से रिलेटेड और हमारा जो कंटेंट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एमएमसी का कोर्स हमारा यहाँ पे इसे टेलीकॉम में होता है, और मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी से रिलेटेड कंटेंट भी अपने चैनल में डाला हुआ हूँ, तो आप वहाँ पे जा करके वॉच कर सकते हो। बाकी इनसे मैं और भी जो भी नए नए टूल्स आते रहेंगे मैं उन पर भी वीडियो आपको देता रहूँगा और ऐसे ही आपको जानकारी देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने जो देखा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।